हेलो एवरीवन, दिस सेवेंथ लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर फिफ्टीन सो बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू द प्रीवियस लेक्चर्स टॉपिक व्हिच वाज, ये है आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्ससी टू कंजरवेशन बट अर्लियर लास्ट लेक्चर वाज अबाउट इन सी टू कंजर्वेशन राइट सो ये डिफरेंस के बारे में हमने बात की थी इन सी टू एंड एक्ससी टू वट इज इंसिटू विच वी ऑलरेडी स्टडीड इंसिटू मतलब क्या कि कोई भी स्पेसी है वो दी जाती है प्रोटेक्शन है वो दिया जाता है ठीक है वो था इंसिटू वहां पे किसी एनिमल को हम लोग शिफ्ट नहीं कर रहे थे या तो किसी भी प्लांट को शिफ्ट नहीं कर रहे थे वो जहाँ है वही पे उनको एक सुरक्षा है वो दी जाती है नाउ इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सी टू कंजर्वेशन इट मीन्स यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि एनिमल और प्लांट स्पीसीज को एक सेफ एनवायरमेंट में शिफ्ट करके हम वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन देते हैं ऐसा अभी क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि उनके नेचुरल एनवायरमेंट में वो सेफ नहीं है कोई ना कोई वजह से चाहे कोई भी प्रीडेटर्स की वजह से हो या तो फिर कुछ भी एनवायरमेंटल रीजन हो कि वहां पर कुछ क्लाइमेट चेंज हो गया जहां पे वो पहले से रह रहे थे रीजन में बी एनी थिंग राइट बट हम क्या कर रहे हैं उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह पे सेफली प्रोटेक्शन दे रहे हैं ठीक है उसे बोलते हैंक्चर okay. में, में, में क्या थे वो लाइक नेशनल पार्क देन हॉटस्पॉट देन सेक्ट ग्रूव देन सेंचुरीज देन एक्सेट्रा ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी ठीक है वो भी हम लोग वापस नहीं करेंगे रिवाइज ये जस्ट नाम बता दिए मैंने आपको ओके okay, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन सो इन दिस अप्रोच थ्रेट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग और स्पेशल एनवायरनमेंट वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर राइट यहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं प्लांट और एनिमल स्पीसीज को ओके okay. तो उसमें अभी हम लोग सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या होंगे सो so, विल we'll स्टडी सबसे पहले जूलॉजिकल पार्क्स सो जूलॉजी मीन्स एनिमल राइट जू सो यहाँ पे हम जूओलॉजिकल पार्क्स में एनिमल के बारे में कुछ बात करेंगे विल टॉक अबाउट इन डिटेल बट अभी बता रही हूँ जस्ट सब टॉपिक्स क्या है सेकेंड है बॉटनिकल गार्डन्स बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट राइट सो so, यहां पे हम बात करेंगे प्लांट्स रिलेटेड देन थर्ड है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स सो जूलॉजिकल पार्क्स एंड सफारी पार्क्स आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सेम बट हियर इन केस ऑफ सफारी पार्क्स दे अलाउ अस टू गो एंड रोम अराउंड द पार्क राइट देन फोर्थ है प्रिजर्वेशन टेक्निक्स उसके साथ ही हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर देन ये क्या टेक्निक है वो हम बात करेंगे सब ये टॉपिक आएगा तब तो. फिफ्थ है जीन बैंक्स Sixth है जाम प्लाजम बैंक एंड द सेवंथ वन इज सीड बैंक ठीक है तो इतने कुछ टॉपिक है वो हम देखेंगे अभी इनमें से कुछ है वो आपकी टेक्स्ट बुक के हैं कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे कि ये सारे बैंक है तो उसमें क्या होते हैं ये प्रोसेस सेम है में सिर्फ डिफरेंट आ, थिंग्स है तो हम बात करेंगे जो भी, भी ये टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे सो दिस आर सम सेवन सब टॉपिक्स ऑफ अवर एक्सीटू कंजर्वेशन राइट सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट सब टॉपिक विच इजलॉजल्ड बट कंटिन्यू टू बी मेनटेन इन जुअलॉजिकल पार्क्स, तो ये हमने क्या किया है कुछ एनिमल्स को शिफ्ट करके पार्क में रखा है तो ऐसा करने से क्या हो गया कि जो बाहर नेचुरल एनवाइट में जो एनिमल्स थे वो वहां पे एक्सटिंक्ट हो गए अभी नहीं है पर हमने जहां पे इनको सेफेस्ट प्लेस पे रखा है जूलॉजिकल पार्क हम बोलते हैं तो वहां पे वो अभी भी, भी जिंदा है पर उनके नेचुरल हैबिटेट में वो अभी क्या है एक्सटेंड हो गए नहीं मिलते हैं so so यहां पे हम थ्रेटेड स्पेसिस होती है जो कि नजदीकी समय में खत्म होने की कगार पे हैं उनको हम वहां पे सेफली रखते हैं और उनको सारी चीजें एनवामेंट है फूड है एटमोसफियर है वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग उनके एडेप्टन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है वहां पर ठीक है दिस अप्रोच ऑल्सो अप्लाइज इन वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको जब टॉपिक समझाए थे तब कि जूलॉजिकल पार्क जैसा ही है वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ठीक है सो दिस आर बोथ ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बट जूअलॉजिकल पार्कस में क्या होता है जनरली कि केजेज में एनिमल्स को रखा जाता है बड़े से केजेस में और हम लोग बाहर से ही उनको देख सकते हैं ठीक है तो ये ओपनली एक तरह से नहीं होता है वो एक पूरी स्मॉल uh, स्पेस में या तो फिर बड़े हो केज या छोटे हो डिपेंड्स ऑन द एनिमल साइज एंड देर हैबिटाट बट उनको वहां पर रखा जाता है हम लोग बाहर से देख सकते हैं ये सफारी पार्क क्या है तो जैसे कि आप लोगों ने कभी ये सफारी ट्राई भी की होगी कहीं ना कहीं पे जैसे कि गुजरात में हम बात करें जूनागढ़ की तो वहां पे भी है ठीक है तो ये क्या है सफारी पार्क कि जहां पे आपको ओपन फॉरेस्ट एरिया में लेके जाते हैं विद द फॉरेस्ट गार्ड और वहां से आपको खुले खुले में से ये एनिमल्स है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में घूमते हुए दिखाई देते हैं ठीक है सो दिस काइंड ऑफ स्टफ इज देयर जूलॉजिकल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्लियर सेकंड जो है सब टॉपिक में हमने बात की थी वो था बोटनिकल गार्डन्स अब ये बोटनिकल गार्डन्स क्या है जैसे कि जूलॉजिकल पार्क तो वैसे ही बोटनिकल गार्डन है उसमें क्या होता है प्लांट को सेफ रखा जाता है तो ऐसी प्लांट स्पीसीज जो कि अभी नेचुरली बाहर अर्थ पे आ, सर्वाइव नहीं कर सकती है उनको हम क्या कर रहे हैं उनके सीड्स वगैरह लेके हम ऐसे डिफरेंट गार्डन्स बने हुए हैं बोटनिकल गार्डन जिसको बोलते हैं हम वहां पे उनको ग्रो करवा के संभाल के रखते क्योंकि प्लांट्स को पूरे इतने बड़े प्लांट्स को उठा के कहीं और जगह पे ले जाना दैट इज नॉट फीजिबल राइट कई बार ऐसा होता है कि वो वापस फिर नहीं ग्रो कर पाए तो उनको वहां से वहाँ दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करते उनके सीड्स वगैरह लेके उनको वहां पे आ, बोटनिकल गार्डन्स में ग्रो ही करवा देते हैं ताकि अगर वो नेचुरल हैबिटाइट में कभी एक्सटिंक भी हो गए तो बोटनिकल गार्डन्स में वो अभी भी हमारे पास है ठीक है तो ऐसे ही सेम जू जुओलॉजिकल पार्क के जैसे ही बोटनिकल गार्डन है वो वर्क करता है अब इसमें दूसरी चीज क्या है एक लिमिटेशन सही है कंजर्वेशन की कि जैसे कि इन सिटू हम लोग बात कर रहे थे तो हम जैसे कि पूरा ही अगर फॉरेस्ट एरिया है तो उस पूरे को ही हम लोग प्रोटेक्टेड घोषित कर देते हैं और उनको वहां पे सेफ रखते हैं एनिमल्स को ठीक है अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम कुछ अपने हिसाब से एरिया है वो बना रहे स्ट्रक्चर बना रहे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना रहे और उसमें एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह को रख रहे हैं ठीक है तो यर इट इज नॉट पॉसिबल कि ईच एंड एवरी स्पीसीज को हम प्रोटेक्शन दे पाए क्योंकि लिमिटेड स्पेस है जबकि हम फॉरेस्ट की बात कर रहे थे तो मान लो पूरा फॉरेस्ट ही उनको बाउंड्री बना के प्रोटेक्शन दे दिया तो वहां पे अंदर जितनी भी अभी जो भी स्पीसीज थी वो सारी की सारी, सारी सेफ है ठीक है पर इतने सारे अमाउंट में इतने ज्यादा एनिमल्स सबको सब एक साथ ये जूलॉजिकल पार्क में हम लोग नहीं लेके आ सकते तो यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन दे सकते हैं जो कि एकदम ही कम नंबर में बचे हैं या तो एक्सटिंक होने की कगार पे हैं उतने ही एनिमल्स हम लोग ला सकते हैं क्योंकि एक्सटिंक्शन रेट भी हाल में आपको पता ही है कि बहुत ही ज्यादा है तो उतने ही एनिमल्स हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं बचा सकते हैं तो उन सब का क्या जो कि अभी ठीक है एक्सटिंक नहीं होने वाले हैं बट अगर उन पे भी ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी एक दिन इसी जगह पे आके ठहर जाएंगे और एक्सटिंक्शन की कगार पे ही होंगे तो उनको हम ये एक्सिटू में प्रोटेक्शन है वो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है राइट तो दिस इज वन लिमिटेशन ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन क्योंकि हम अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर में इन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि इन सीटों में था हम पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है उसको प्रोटेक्टेड घोषित कर देते हैं और वहां पे कोई भी एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं करते हैं ठीक है सो दिस आर टू डिफरेंसेस बिटवीन इन सी टू एंड एक्सिटू ओके सो ये बात हो गई एक्चुअली थ्री टॉपिक की जूलॉजिकल पार्क्स देन हमने बात की वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स उसी में एंड देन द थर्ड बॉटनिकल गार्डन्स ओके अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक अब ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पज तो इसमें क्या करते हैं हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन में तो कोई भी गेमेट्स होते हैं एदर दे आर मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स ठीक है उनको गेमेट्स को लेके अराउंड माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और जनरली लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं फ्रीज किया जाता है क्योंकि इतना माइनस टेम्परेचर है बहुत ही लो टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर है राइट right? तो उस उसपे इन गेमेट्स को क्या किया जाता है फ्रीज किया जाता है दिस इज एक्चुअली टीडियस प्रोसेस है यू आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इन अ सिंपल वे कि <coughs> इनको ऐसे प्रिजर्व किया जाता है अभी ये प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं हम लोग तो मान लो कोई ऐसी स्पीसीज है जो कि कभी खत्म हो जाएगी नजदीकी फ्यूचर में ठीक है तो उनको हम क्या करेंगे ऐसी स्पीसीज को अभी वापस एक बार सारे खत्म हो गए तो फिर नए तो कहां से आएंगे है ना नई जनरेशन लाने के लिए पेरेंटल जनरेशन तो होनी चाहिए तो इसमें हम क्या कर रहे हैं इन गेमेट्स को फ्रीज करके वहां पे संभाल के रख रहे हैं लैब में फिर क्या होगा मान लो कभी ऐसा हुआ एक दिन कि कोई एनिमल स्पीसीज है वो खत्म हो गई ठीक है तो अभी कोई नई वो स्पीसीज कहाँ से आएगी एक बार वो पेरेंट ही नहीं रहे तो फिर नई जनरेशन कहाँ से आएगी तो हम क्या करेंगे ये जो फ्रीज किए हुए गेमेट्स है उनको फर्टिलाइज करके उनमें से नया एक जो भी नया एक जीव है जैसे हम बोल सकते हैं वो हम फ्यूचर में अप्लाई कर सकते और वापस उसको इस अर्थ पे ला सकते दिस इज समिनोमिन बिहाइंड दिस क्रायोप्रिजर्वेशन कि अगर कोई ना कोई ऐसी स्पेसिस है जो कि खत्म हो जाए तो हम उनको वापस से जिंदा कर सकते हैं बाई दिस वे बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और फर्टिलाइजेशन के लिए हमें गेमिट्स चाहिए मेल एंड फीमेल गेमिट्स उसको हम क्या कर रहे हैं अभी इसे प्रिजर्व करके रख रहे हैं ठीक है सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक सो बात करते हैं गेमिट्स ऑफ थ्रेटन स्पीसीस कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड यूजिंग दिस टेक्निक वायबल कंडीशन कि वो एक्टिव हो ठीक है भले फ्रीजिंग टेम्परेचर पर एक्टिव नहीं है बट जब भी वो आ, उस टेम्परेचर से बाहर निकाले तो वो वायबल होने चाहिए ऐसा नहीं कि इनएक्टिव हो जाए फ्रीजिंग के टाइम पे इनएक्टिव होंगे और जरूरी भी है क्योंकि अदरवाइज तो वो एक्ट ही नहीं कर पाएंगे ठीक है उनको हम संभाल के नहीं रख सकते लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट वायबल होने चाहिए उसमें वो उस सारी कंडीशन है वो होनी चाहिए कि वापस से जब हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए तो इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल गैमिट्स ओनली राइट ठीक है देन एक्स कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो यानी कि लेब कंडीशन में एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोकेटेड यूजिंग टिश्यू कल्चर मेथड्स ठीक है अब पहले तो ये वर्ड की बात कर लेते हैं इन विट्रो एंड इन विवो ऐसे दो वर्ड्स होते हैं इन विट्रो मीनस क्या सिंथेटिक कंडीशन यानी कोई भी हमारी बनाई हुई कंडीशन जैसे कि हम लोग लैब में किसी को ग्रो करवा रहे एक्सेट्रा उससे बोलते हैं इन विट्रो इन वीवो मीन्स नेचुरल कंडीशन में नेचुरली जैसे प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इन वीवो ठीक है अब दूसरा बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर की बात की हमने यहां पे ठीक है तो इस टेक्निक की एनिमेशन लिंक भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप एक बार देख सकते हो उसमें वो वीडियो कि कैसे होती है बट योर मैं बता रही हूँ प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड क्या है ठीक है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं दिस प्रोसेस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कोई भी प्लांट पार्ट है वेदर इट इज रूट स्टेम और लीव्स उसको हम लेके उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट लेके पूरा का पूरा प्लांट है वो ग्रो करवा सकते हैं दिस फिनोमिन दिस टेक्निक इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर अब कैसे तो जैसे कि मान लो कोई ये लीफ है ठीक है उसका यहाँ से बीच में से एक छोटा सा स्क्वेयर टुकड़ा हमने काट लिया अब इसको क्या करवाएंगे हम एक ग्लास की मीडियम ट्यूब होती है जैसे कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब होती है ये पूरी मीडियम से भरी हुई है ठीक है उसके ऊपर हम ये जो छोटा सा टुकड़ा हमने काटा था वो रख देंगे ठीक है तो ये हमने इधर टुकड़ा है वो रख दिया अभी इस मीडियम में क्या भरा हुआ है हमने ही है बट क्या है तो उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए सुख्रो से वो डिजोल्व किया हुआ है फिर विटामिन्स डाले हैं हमने फिर यहाँ पे और मीडियम में क्या डाला होगा तो कुछ हॉर्मोन्स है प्लांट हॉर्मोन्स वो ग्रो करवाने के लिए डालने पड़ेंगे हमें ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन मीडियम उसमें हमने क्या किया ये प्लांट का एक पार्ट है वो डाल दिया ठीक है लिफ का एक पार्ट है वो डाल दिया अभी कुछ दिनों बाद जैसे ही इसको न्यूट्रिशन मिलेगा और इस कैपेसिटी को यानी कोई भी सेल को प्लांट के पूरे उनकी बॉडी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को बोलते हैं टोटी पोटेंसी ठीक है एक वर्ड है जो कि ये प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है कि कोई भी एक सेल है वो पूरा कंप्लीटली पूरी बॉडी बनाने के लिए कैपेबल है तो उस चीज को बोलते हैं टोटी पोटेंसी तो ये भी वही हो गया ये लीफ का पार्ट है जिसमें से हम पूरा प्लांट ग्रो करवा रहे तो ये भी कौन सी चीज हो गई टोटी पोटेंसी ओके और ये पूरी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड अब क्या करेंगे जैसे कि मान लो ये थोड़ा न्यूट्रिशन है तो वो यूटिलाइज कर लिया और यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़े अमाउंट में सेल्स बन गए तो उसे बोलते हैं कैलस ठीक है कैलस बोलते हैं यानी ग्रुप ऑफ सेल्स अब क्या करेंगे हम वापस अगेन इस कैलस को शिफ्ट करेंगे दूसरे मीडियम में अब ऐसा क्यों करें क्योंकि यहाँ पे जो भी न्यूट्रिशन होंगे वो तो इसने ग्रो होने में यूटिलाइज कर लिए होंगे ना तो अभी न्यूट्रिशन खत्म हो गए तो वापस हमें डालने पड़ेंगे तो हम इसको ये पूरे को यानी थोड़े जो ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए होंगे उनको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे ऐसे इस स्लांट में तो ऐसे करके छोटा सा एक पौधा है वो बन जाएगा फिर हम उसको उठा के नेचुरल जगह पे यानी कहीं जमीन पे या तो किसी कमले में हम उसको डाल के ग्रो करवा सकते हैं तो इस हिसाब से हमने क्या किया प्लांट के कोई भी पार्ट में से हमने पूरा का पूरा प्लांट है वो ग्रो करवा दिया ठीक है दिस टेक्निक इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर तो ये हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं तो ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम कोई भी प्लांट स्पीसीज है जो कि मान लो खत्म होने की कगार पे है तो उसका कोई भी एक पार्ट अगर हम लोग फ्रीज करके बचा के रखें तो हम उसमें से भी इन फ्यूचर पूरा का पूरा प्लांट है वो ग्रो करवा सकते हैं जैसे कि अभी हमने ये बात की कि लीफ के पार्ट में से हम प्लांट बना रहे हैं ठीक है तो ऐसे हम लोग कोई भी प्लांट का पार्ट यानी पूरा का पूरा प्लांट है वो तो हम प्रिजर्व नहीं कर सकते ना इतना बड़ा पेड़ है अगर तो तो उसका कोई भी छोटा सा पार्ट लेके हम अगर संभाल के रख पाए फ्यूचर के लिए तो मान लो वो स्पीसीज खत्म हो गई तो फिर भी हम उसके लीफ में से पूरा का पूरा वो प्लांट है वो ग्रो करवा सकते हैं ठीक है सो दैट इज वाई वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दिस प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड तो वो भी एक एक्सी टू कंजर्वेशन का पार्ट हो गया ठीक है ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम तो ये दो टॉपिक यहां पे हमने डिस्कस किए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक एंड प्लांट टिश्यू कल्चर नेक्स्ट अभी बैंक्स उसके बारे में कुछ बात करते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली सीड बैंक अब ये क्या है सीड आपको नाम से ही पता चल रहा है प्लांट के उसकी बैंक ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक ऐसी बैंक जैसी जगह हमने बनाई हुई होती है जहां पे हम क्या करते हैं कि ऐसी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीसीज प्लांट की उसके सीड्स से वो हम बचा के रखते हैं कोल्ड एनवायरमेंट में कोल्ड एनवायरमेंट क्यों क्योंकि उसकी एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाए यानी वो गंदे नहीं हो जाए सड़ नहीं जाए ठीक है वो जैसे हैं वैसे ही रह जाए तो हम क्या करेंगे ऐसे सीड्स से वो डिफरेंट डिफरेंट उठा के हम लोग एक जगह पे संभाल के रखते हैं ताकि अगर मान लो कभी भी ऐसा हो गया कि वो स्पीसीज है वो खत्म हो गई बाहर नेचुरली, तो हम उनके जो बचा के रखे उसको हम वापस से जमीन में डाल के ग्रो करवा के वापस उस को ग्रो करवा सकते हैं ठीक है सो दैट इज वाई ये सीड बैंक होती है जहां पे डिफरेंट स्पीसीज के सारे सीड्स है वो संभाल के रखे जाते हैं ठीक है प्रिजर्व किए जाते हैं सो सेट्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन ऑफ कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लान कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड इन सिट बैंक तो ऐसे ही होती है सिट बैंक की तरह जीन बैंक ठीक है gene bank, अब जीन यानी हम जीन्स को तो काट के नहीं रख सकते क्योंकि जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए राइट उसको हम नहीं संभाल सकते हम क्या करते हैं पूरा का पूरा डीएनए ही है उसको संभाल के प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि कभी भी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ जाए इंट्रोड्यूस करने के लिए तो वो हम उसको इंट्रोड्यूस कर पाए विदेल्प ऑफ जीन्स ये डिटेल्स आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर इलेवन एंड ट्व बायोटेक्नोलॉजी में कि किस तरह से हम ये टेक्निक्स यूज करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकेरेक्टरिस्टिक्स है वो इंसर्ट कर सकते हैं किसी स्पीसीज में ठीक है यानी हमें दो डिफरेंट प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर है वो हमें एक ही प्लांट में चाहिए तो हम किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड करके एक ऐसा प्लांट बना सकते हैं जिसमें हमें चा, जो चाहिए थी दोनों डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वो एक ही प्लांट में आ जाए सो दिस आर द टेक्निक्स वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे वो उस चैप्टर के टाइम पे डिस्कस करेंगे इलेवंथ एंड ट्वेल्थ बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में ठीक है अभी के लिए हम इतना आप लोग इंफॉर्मेशन के लिए रखो कि सीड बैंक है जीन बैंक है ये सारी बैंक है जहां पे हम सीड्स जीन्स यानी डीएनए सब प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पज क्लियर तो ये बात हो गई सब टॉपिक्स की अब कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो कि है कि कुछ ऐसे समिट हुई थी कुछ ऐसी मीटिंग्स हुई थी बिटवीन सम कंट्रीज किसके बारे में टू प्रिजर्व दिस बायोडायवर्सिटी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते so, जब भी अवेयरनेस आई तो सारे कंट्रीज ने मिलकर कुछ डिसीजन लिए थे तो उसके बारे में कुछ डिटेल है जैसे कि पहली हम बात करते हैं द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ समिट जिसको बोला जाता है हेल्ड इन रियोडिजिनेरो इन 1992 तो आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि 1992 में अर्थ समिट हुई थी कहाँ पे रियो डी जेनेरो में ब्राजील में है ये तो वहां पे ये समिट हुई थी और उसका उद्देश्य क्या था सो कॉल्ड अपॉन ऑल नेशंस टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स तो ये क्या है कि सब कंट्रीज ने नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है और उसका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हो यानी ओवर यूज ना हो यानी ऐसी स्पेसिस जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो जाएगी उसको बिल्कुल ही यूज ना करें उनको अभी और ग्रो होने दें उनके नंबर बढ़ने दें तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन यानी नो ओवर यूज ठीक है संभाल के यूज करें हम उसको तो उसके बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में अवेयरनेस के लिए एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में दूसरी बात करें सो इन फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 थाउजेंड टू इन जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका एंड वन ठीक है 190 एंड नाइन्टी कंट्रीज प्लेस्ड देर कमिटमेंट टू अचीव बाय टू सो कितने कंट्रीज ने एक साथ मिलके याद रखना एमसीक्यू के लिए 190 कंट्रीज ने एक साथ मिलके ये प्लेज लिया था कि 2010 तक क्योंकि 2002 की बात है ये समिट की कि आफ्टर एट इयर्स यानी 2010 तक वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन की ट्राई करेंगे और जो उस टाइम का रेट था बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होने का वो कम से कम हो उसके लिए उन्होंने प्लेज लिया था सो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द

थियोरिटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाएंगे बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है जैसे कि नीट है गुडसेट है एम्स है उसके लिए आपको ये सारे टॉपिक्स है वो प्रिपेयर करने हैं ठीक है तो ऐसे टॉपिक है थोड़े वो देख लेते हैं हम आज के लेक्चर में सो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ एक्ट्स के बारे में कुछ लॉज के बारे में जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे इन द फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ठीक है तो उसमें सबसे पहला है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रिवाइज इन नाइनटीन एटी एट कुछ फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके बेसिस पे कुछ पॉलिसीज है वो डिसाइड की गई थी कुछ रूल्स है वो डिसाइड किए गए थे कि कौन सी एक्टिविटीज़ है वो फॉरेस्ट में अलाउ होनी चाहिए कौन सी है वो बैन होनी चाहिए फिर फॉरेस्ट का कितना पार्ट है वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रखना चाहिए और कितना पार्ट है वो वहाँ के लोकल पब्लिक जो भी होती है उनके लिए एक्सेबल रखना चाहिए सो दिस आर सम पॉलिस जो कि इसमें इंक्लूडेड है सेकंड है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वोस पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दर ईयर 2002। अगेन, अगे बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में ये बात की गई थी पार्लियामेंट में एक लॉ है वो पास किया गया था जिसके बेसिस पे कंजर्वेशन के कुछ रूल्स है वो आए थे जैसे कि आपको पता है अभी शिकार करना वगैरह ये सब कानूनी झुम है है ना कि ऐसे हम कोई भी झुर्म अगर करोगे तो उसके कुछ डिसाइडेड uh, लॉस है कि इतने साल की है वो सजा होगी इतनी पेनल्टी आएगी सॉर्ट ऑफ राइट तो ये सारे फिर धीरे धीरे करके क्योंकि अवेयरनेस बड़ी जब से तब से ये सारे लॉस है वो लागू किए गए पहले ऐसा कुछ भी नहीं था ओपनली एनी वन केन डू द हंटिंग एंड ऑल राइट बट लेटर ऑन जब पता चला कि अगर ऐसे ये रेट चालू रहे तो तो फिर हम सारी अपनी जो भी है बायोलॉजिकल वेल्थ है वो सारी खो देंगे रिचनेस है वो खो देंगे तो फिर ये कुछ लॉस है वो अप्लाई किए गए ठीक है देन कम्स थर्ड फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन फोर्थ वन बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम इन नाइनटीन एटी सिक्स द लास्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू बट अगेन उसमें कुछ चेंजेस किए गए इन रिवाइज इट इन नाइनटीन वन कुछ एड करके नॉम्स है अगेन उसको रि नाइन नाइन वन क्लियर सो देर आर एक्ट्स बट बटर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सम इम्पोर्टेंट वंस जो कि पूछे जाते हैं ठीक है so, सो ये कुछ फाइव एक्ट्स है जो कि आपको याद रखना ओके नेक्स्ट बात करते हैं रेड डेटा बुक ये आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना रेड डेटा बुक तो ये है क्या रेड डेटा बुक ठीक है सो दिस बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच आर नोन टू बी इन डेंजर बुक इज बाय द आईयूसीएन आईयूसीएन मतलब क्या था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सिस तो एक रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में वहां पर वो नोट करते हैं अभी करने की जरूरत क्या थी तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी स्पीसीज है उस पर अभी हमें खास ध्यान है वो देना है उनके प्रोटेक्शन पे खास स्पेशल अटेंशन है वो देना है ठीक है तो उसके लिए इसमें सारे डेटा है वो होते हैं रेड डेटा बुक जिसको बोलते हैं और ये कौन मेंटेन करता है आई है वो मेंटेन करता है ये बुक ठीक है दूसरी एक चीज है साइलेंट वैली ठीक है अब ये साइलेंट वैली क्यों है कहां पे है और इसका नाम ऐसा क्यों है ठीक है उसके बारे में ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान देना इट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन केरला डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट ये फॉरेस्ट का पार्ट है केरला में जिसको साइलेंट वैली कहा गया है और उसको डिक्लेयर किया है नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट अभी वहां पे कुछ ऐसे स्पेसिस पाई गई जो कि बहुत ही रेयर थी और यूनिक थी और वहीं पे थी सिर्फ ठीक है तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन दिया गया नेशनली एंड डिक्लेयर किया गया एज अ साइलेंट वैली अब इस फॉरेस्ट को नाम ऐसा क्यों दिया गया सो इट इज कॉल्ड साइलेंट वैली बिकॉज देर इज नो नॉइस इन द फॉरेस्ट ड्यूरिंग नाइट इवन दैट ऑफ सीकेट्स एज दे आर नॉट फाउंड धेर अब ये क्या है जैसे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जैसे कि आप लोगों ने रात, रात में सुने होंगे कि जोर जोर से कंटिन्यूस बोलते रहते रहे तो ये भी नहीं पाए जाते अदरवाइज आर वेरी कॉमन इंसेक्ट्स जो कि पाए जाते हैं बट यूर इवन दे आर ऑल्सो नॉट फॉर्म ठीक है तो वो भी नहीं मिलते तो रात के टाइम पे एकदम ही साइलेंट सन्नाटा होता है बिल्कुल ही आवाज नहीं आती है तो देट इज वाई इट इज कॉल्ड साइलेंट वैली क्लियर तो ये बात होगी दो रेड डेटा बुक एंड साइलेंट वैली नेक्स्ट हम कुछ बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एंड नेशन फर्स्ट अबाउट नेशनल पार्क ठीक है सो दिस आर ऑल्सो सिंगल सिंगल लाइन एमसीक्यूज ठीक है तो आपको स्पेशली याद रखने हैं ये सारे तो पहले हम बात करते हैं द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क ठीक है ये पूरे विश्व का वर्ल्ड का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था और कहा था तो कहाँ था अमेरिका में पाया गया सबसे पहले बनाए गए वहां पे और उसका नाम है येल्लो स्टोन नेशनल पार्क दूसरा है अब ये बात हो गई वर्ल्ड की अब बात है इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क जो कि पाया जाता है नैनीताल उत्तरांचल में और जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना है ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है बहुत सारे ऐसे लिस्ट है पर हम यहाँ पे सिलेक्टेड ही ले रहे हैं जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ठीक है देन थर्ड इज स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया स्मॉलेस्ट ठीक है और इंडिया की बात कर रहे हैं जो कि पाया जाता है राजस्थान में उसका नाम है रनथम्बोर नेशनल पार्क एंड देन लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया विच इज प्रेजेंट इन आंध्र प्रदेश और उसका नाम है नागार्जुना सागर सैलियम सेंचुरी ठीक है जो कि आंध्र प्रदेश में है विच इज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया ओके तो ये फॉर कुछ सिंगल एमसीक्यू के बारे में बात हो गई नाउ लेट्स कम टू द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ अवर टूडेज लेक्चर सम इंपोर्टेंट डेज अबाउट द एंडमेंट ये आपको याद रखने हैं ये आप देखोगे अगर रेफरेंस बुक में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे जहाँ पे ये डेज दिए गए होते हैं या तो फिर आपको उस डेज के नाम दिए होते हैं और उसकी डेट है वो पूछी गई होती है ऑप्शन में ठीक है सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर सबसे पहला है थर्ड मार्च जो कि है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे देन ट्वेंटी सेकेंड मार्च वर्ल्ड वाटर डे Then 22nd April Earth Day, 22nd May, International Day for the Biological Diversity. Or being a biologist, you have to remember these days, right? Then 5th June, World Environment Day, 4th October, World Animal Day, 21st March, World Forest Day, 10th April, World Atmosphere Day. एन द टू टू एट ऑक्टोबर यानि ये पूरा पीक है वो सेलिब्रेट करते हैं हम एज ए वाइल्ड लाइफ वीक ठीक है सो दिस आर समेस जो कि एम सी क्यू के लिए इम्पोर्टेंट है और इवन वी हैव टू अप्लाई दिस ऑल्सो राइट कि ये सारे डेज है वो क्यों बनाए गए वर्ल्ड वाइड है ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है तो ये इसीलिए ताकि कुछ अवेयरनेस आए लोगों में कि कुछ स्पेशल है वो फील हो एनिमल्स के बारे में लोगों को कि ये सारे भी इम्पोर्टेंट है ये हमारी बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि हम अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देते हैं राइट सो दैट इज़ वाई ये कुछ डेज है वो घोषित किए गए हैं जो कि सेलिब्रेशन के तौर पे ही सही पर उसको सब याद करें और ये माइंड में रहे सबके कि ये सारे भी वाटर है जैसे अर्थ है वाइल्ड लाइफ है ये सारे भी फॉरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है उतने ही अगर वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे so that is why this days are in worldwide formation last topic some special endangered animals के बारे में। कुछ ऐसे endangered animals स्पेशली ये सारे जो भी फोर्स डिस्कस किया हमने वो इंडिया के ही है और एनडेंजर्ड है दूसरी कहीं भी जगह पे नहीं पाए जाते इतने और ये इंडिया में भी ऑलमोस्ट अभी खत्म होने की कगार पे बहुत ही कम नंबर में बचे ठीक है और इसकी इमेजेस है वो भी आपको इस चारों के बारे में डिस्कस करके मैं नेक्स्ट आपको इमेजेस भी दिखाऊंगी तब कि आपको की आपको आइडिया आए कि कैसे दिखते हैं ठीक है और कौन सा एनिमल्स अगर आपको नहीं पता है तो so, सबसे पहला है एशियाटिक वाइल्डर्स जो, जो कि पाया जाता है फाउंड इन रन ऑफ काच एंड पाकिस्तान ऑल्सो सेकेंड है रेड पांडा जो कि आपने देखे होंगे जैसे कि नॉर्मली होते हैं ब्लैक एंड वाइट पांडास राइट ये रेड पांडा है वो भी एंडेंजर्ड स्पेसिस है सो दे फाउंड इन जंगा सिक्किम थर्ड है एंगुल और उसको दूसरा नाम बोलते हैं उसको काश्मीर स्टेक ठीक है दोनों नाम है उसी के फाउंड इन श्रीनगर जो की है जम्मू एंड कश्मीर में एंड द फोर्थ साइबेरियन क्रेन फाउंड इन घाना नेशनल पार्क राजस्थान ठीक है तो ये चारों एनिमल्स है जिसकी इमेज अभी आप देख सकोगे वो एंडेंजर्ड एनिमल्स है और बहुत ही कम नंबर में बचे हैं और यहाँ पे हमने बात की है जो कि वो इंडिया में पाए जाते हैं ठीक है एंड दिस आर द स्पेशल स्पीसीज बिकॉज देयर इंपॉर्टेंस इज सो मच इन द नेचर दैट वी हैव टू सेव देम टू द एक्सटिंक्ट एक्सटिंग होने से बचाने हमें उसको ठीक है दैट इज वाई वी आर हियर ओनली फोर ऑफ दो देट दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर Next, we'll discuss some more important topics for the competitive exam. Okay?